दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीमेंट खरीदने से पहले, और सीमेंट जब आप मंगा लेते हैं अपने घर बनवाने के लिए या साइट पे, तो उसको आप साइट पे कैसे चेक करेंगे कि आपका सीमेंट असली है या नकली है, और सीमेंट में हमें क्या क्या क्वालिटी अपने साइट पर चेक करना होता है, तब जाके आपको अपना घर में काम लगाना चाहिए। अगर सीमेंट आपका नकली मिल गया तो आपका पूरा घर कमज़ोर हो जाएगा, घर गिर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा काम आता है, चाहे आप कोई सा भी सीमेंट मंगाएं, अल्ट्राटेक हो, जेके सुपर हो या कोई सा भी, अंबुजा का हो, बिरला का हो, उस पर हमें एक उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि सीमेंट कब बना है वो देखना है। अब यहाँ जैसे देखिए, मैं जेके सुपर सीमेंट आप देख रहे हैं सामने, इसकी बोरी पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा रहा हूँ, यानी कि ये जो डेट है वो बताता है कि सीमेंट आपका बना कब है। अब जैसे बोरी पे आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे W यानी कि वीक दिखाई दे रहा है। वीक कहने का मतलब कि 21 सप्ताह में बना है, ठीक है। उसके बाद आपको M से होता है महीना, यानी कि 01 यानी कि जनवरी में बना है। वीक ये दूसरा यानी कि दूसरे सप्ताह के जनवरी महीने में। इसके आगे आपको Y देखने को मिलता है। Y से हमारा जो ईयर होता है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022 वो देखने को मिल रहा है। और FA जो है वो फ्लाई ऐश का परसेंटेज है कि इस सीमेंट में कितना फ्लाई ऐश मिला के ये सीमेंट बनाया गया है। ये चीज़ आपको देखना है कि 3 महीने से पुराना जो सीमेंट आप ले रहे हैं वो 3 महीने से पुराना नहीं हो, क्योंकि सीमेंट की कंपनी खुद कहती है, अपने सभी सीमेंट के बैग के पीछे लिखा होता है कि 3 महीने से पुराना आपको सीमेंट नहीं यूज करना है, क्योंकि जितना आप पुराना सीमेंट यूज करेंगे उसका जो मजबूती होता है वो कम हो जाता है। दूसरा टेस्ट मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको सीमेंट का बैग कोई खोलना है, उसमें आपको अपना हाथ डाल के देखना है। अगर आप हाथ डालते हैं तो सीमेंट अगर आपका ठंडा है यानी आपको ठंडा लगता है तो वो सीमेंट आपका अच्छा है। अगर आपको उसमें गर्मी महसूस होती है तो समझिए कि आपका सीमेंट ख़राब हो रहा है, वो सीमेंट आपको नहीं लेना है, उसमें धीरे धीरे हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब तीसरा जो सेम यही टेस्ट होता है वो होता है हमारा लंप टेस्ट। अब क्या है कि आपको सीमेंट के बैग में हाथ डालना है, फिर उसको आपको मसल के देखना है अपने उंगलियों से। अगर आपको लगता है कि एकदम वो पाउडरी है, उस पर कोई रुखड़ा चीज़ नहीं है, जैसे कि बालू वालू आप मसलते हैं तो थोड़ा सा रुखड़ा लगता है, तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर की तरह मुलायम हो, तुरंत झड़ जाए, तो वो होता है हमारा लंप टेस्ट, या उसको फाइनेस्ट टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि उसके जो सीमेंट है उसको मसल के देखना। अब ये देखिए, ये होता है उसी का लंप टेस्ट का। जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रेशन इसमें सीमेंट में स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इसमें सीमेंट में क्या हुआ है, धीरे धीरे ये रोड़ी बन रहा है, धीरे धीरे ये रोड़ी बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, इसमें मॉइस्चर पहुंच गया है सीमेंट में। अब इस तरह के आप सीमेंट लगाएंगे तो आपके जो स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर करेगा, तो इसलिए जो है लंप टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लंप टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीमेंट के बैग में आप हाथ डालें और उसको मसल के देखें। अगर उसमें रोड़ी की तरह या बालू की तरह आपको लग रहा है कि उसमें रुखड़ा चीज़ है या रोड़ी जमने लगा है, तो वैसा सीमेंट आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बालू मिक्स है या फिर उसमें जो क्ले वगैरह है वो मिक्स हो गया है, सिल्ट मिक्स है, तो वैसा सीमेंट से आपका घर कमज़ोर हो सकता है। सीमेंट में अगला चीज़ हमें ये चेक करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको पानी लेना है, पानी में आपको सीमेंट डाल के देखना है। जब सीमेंट आप डालेंगे तो सीमेंट डालते के साथ ही अगर वो डूब जा रहा है पानी में तो वो सीमेंट बेकार है। अच्छा सीमेंट वो होता है जब आप पानी में सीमेंट डालते हैं वो कुछ देर ऊपर पानी पे सतह पे बना रहे, फिर उसके बाद डूबे, तो वो सीमेंट अच्छा होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ये सीमेंट जैसे ही मैं डाल रहा हूँ वो तुरंत डूब जा रहा है, तो ऐसा सीमेंट आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ये बेकार सीमेंट है। अगला जो सीमेंट का टेस्ट है वो भी आप आसानी से अपने साइट पे या घर पे कर सकते हैं। आपको काम क्या करना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है, फिर आपको एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेना है, उस पर आपको थोड़ा सा सीमेंट का पेस्ट बना के उस कांच के टुकड़े पर रख देना है, जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उस कांच के टुकड़े को आपको पानी में डाल के उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट बना के फिर उसके पानी में डाल के उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देने पे फिर 24 घंटे के बाद उसको आप निकाल लें। निकाल के फिर उसको आप चेक करेंगे जब उसको सीमेंट को, तो आप देखेंगे कि वो सीमेंट जिस शेप में था यानी कि प्लास्टिसिटी उसमें आ गया है, वो वहाँ से कहीं टूटा नहीं है। जैसा पतला परत जैसा आपको यहाँ फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही आपको वहाँ मिलना चाहिए। अगर उसमें आप देख रहे हैं कि कोई दरार आ गया है या क्रैक आ गया है तो वो सीमेंट अच्छा नहीं है, वैसा सीमेंट आपको नहीं यूज करना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ सीमेंट का पेस्ट बना के गिलास में डाल दिया गया है, अब इसको 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 24 घंटे के छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर निकाल कर और तब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा ये जो निकला है सीमेंट ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, कहीं इसमें क्रैक नहीं है, तो ये सीमेंट आपके घर के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा ही सीमेंट आपको यूज करना है। अगला जो हमारा स्टेप है उसमें आपको एक पॉइंट और जो आम चीज़ होती है वो देख लेनी है सीमेंट के बारे में, कि जब भी आप सीमेंट खोलें तो उसका देखें कि उसका कलर कैसा है। ग्रेइश कलर, सीमेंट का जो होता है ग्रे कलर होता है, यानी ग्रेइश कलर है तो आपका पूरा बोरी तो सही है। अगर उसमें थोड़ा सा भी वाइट है या फिर काला है तो समझिए कि उसमें मिक्सिंग है या फ्लाई ऐश की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए सीमेंट का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए ग्रेइश कलर का ही सीमेंट आप यूज करना चाहिए और वही अच्छा सीमेंट होता है।